बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा आठवीं गणित में सर्व समीकरण आइडेंटिटीज। बच्चों इसके पहले की क्लास में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स किए हैं, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल में अगर आप नए हैं बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। तो बच्चों हम पढ़ेंगे आज कक्षा आठवीं गणित में सर्व समीकरण आइडेंटिटीज। बच्चों सर्वसमिका ऐसी समता या इक्विटी को कहते हैं जो उसमें निहित सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे a प्लस बी पूरे का घात दो बराबर a धन बी पूरे घात दो बराबर a का घात दो धन दो ए बी धन बी का घात दो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ और महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएँ हैं जिसमें आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी सर्वसमिका ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमिकाएँ ही हैं बच्चों जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आपके अध्याय में दिया हुआ है। और इन्हीं सर्वसमिकाओं के आधार पर, इन्हीं आइडेंटिटीज़ के आधार पर हम सवाल करेंगे जिनका उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो आइए बच्चों इन्हीं सर्वसमिकाओं की सहायता से हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न है तीन एक्स धन चार वाई पूरे घात दो को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए। थ्री एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए। अब यहाँ हमको मानना पड़ेगा बच्चों, मान लीजिए तीन एक्स को हम ए का मान मान लेते हैं, ए बराबर तीन एक्स और बी बराबर हम चार वाई को मान लेते हैं। अब हमारा सर्वसमिका चूंकि आपको बताया जा चुका है इससे पहले, सर्वसमिका क्या है बच्चों, धन वाला लगेगा ए धन बी पूरे घात दो वाला, ए धन बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए का मान हमने क्या माना है बच्चों, तीन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे तीन एक्स घात दो धन दो, ए का मान तीन एक्स है बच्चों और बी का मान चार वाई धन बी का वर्ग अर्थात चार वाई का घात दो, ये इस तरह से हम लिख देंगे। इधर भी लिख सकते हैं आप तीन एक्स धन चार वाई होल स्क्वायर का मान आप याद कर रहे हैं ऐसा, बराबर तीन का वर्ग होता है बच्चों नौ, नौ एक्स वर्ग हो जाएगा, दो तीन छः चौक चौबीस एक्स वाई और चार का वर्ग होता है चार चौक सोलह वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमको मान प्राप्त हुआ है ये इसका आंसर है। क्या है बच्चों, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम सर्वसमिका की सहायता से तीन एक्स धन चार वाई होल स्क्वायर का मान प्राप्त कर लिए। बच्चों अगला प्रश्न है 101 का घात दो का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम 101 का घात दो का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों 101 को हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि ये सर्वसमिका के रूप में हो जाए। 101 का घात दो बराबर हम इसे लिख सकते हैं 100 धन 1, 100 धन 1। अब यहाँ पर हम a बराबर 100 को मान लेंगे बच्चों और b बराबर किसको मान लेंगे, 1 को। अब चूंकि हमको सर्वसमिका मालूम है a धन b पूरे घात दो बराबर a का घात दो धन दो ए बी धन b का घात दो, ये हमको सर्वसमिका पता है। अब 100 धन 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का वर्ग मतलब 100 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, दो a मतलब 100 b मतलब 1 धन बी का वर्ग अर्थात एक का वर्ग, ये इस तरह से। अब 100 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 100 में दो शून्य है तो ये चार शून्य हो जाएंगे, इस तरह से 100 दुनी 200 धन एक का वर्ग होगा एक। अब ये तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे 10201 कितना हो जाएगा बच्चों, 10201, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अगर प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है तो आप उसे सर्वसमिका के रूप में कैसे लगाएं, तो उसे पहले तोड़ना पड़ेगा, कभी जोड़ना भी पड़ सकता है बच्चों और कभी घटाना भी पड़ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 99 होता तो 100 ऋण 1 लगा देते, 98 होता तो 100 ऋण 2 लगा देते, 105 होता तो 100 धन 5 लगा देते ताकि वो सर्वसमिका के रूप में आ जाए और हमारे फार्मूले के रूप में वो बैठ सके, पुट हो सके। तो इस तरह से बच्चों आपको फार्मूले के रूप में लाने के लिए उसे तोड़ना पड़ सकता है, जोड़ना भी और घटाना भी पड़ सकता है। बच्चों अगला प्रश्न है तीन एक्स ऋण आठ वाई पूरे घात दो थ्री एक्स माइनस एट वाई स्क्वायर को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए। पूर्व की भांति हम यहाँ पर a बराबर तीन एक्स को मान लेते हैं बच्चों और b बराबर आठ वाई को मान लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा हुआ है बच्चों, बीच में ऋण का चिन्ह दिया हुआ है 3x और 8y के बीच में, तो हम ऋण वाला सर्वेक्षण कराएंगे अर्थात ए ऋण बी पूरे घात दो वाला, और इसका मान होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग। अब ए का मान क्या माने हुआ आप 3x को, और बी बराबर हमने 8y को माना है बच्चों, तो जहाँ ए वर्ग है वहाँ 3x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2, ए का मान 3x है, बी का मान 8y है, धन बी का वर्ग अर्थात 8y घात 2, ये इस तरह से हम लिख लेंगे। अब 3 का वर्ग होता है 9, x का वर्ग हो जाएगा ऋण 2 3 6 8 48 x y, धन 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 y घात 2, ये इस तरह से इनके बीच में अब ना तो जोड़ने का क्रिया होगा और ना ही घटाने की क्रिया, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो इस तरह से माइनस वाला सर्वसंख्या की सहायता से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न है 98 स्क्वायर 98 स्क्वायर 98 घात 2 का मान सर्वसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी हमने 101 को हल किया था बच्चों, वहां पर हमने 100 और 1 को जोड़ करके सर्वसंख्या लगाया था, यहां पर 98 है जो 100 से कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम 100 में 2 घटा दें तो हमको 98 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ एक सर्वसंख्या के रूप में भी हो जाएगी। यहाँ हम a बराबर 100 को मान लेते हैं और b बराबर किसको मान लेते हैं बच्चों, 2 को मान लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ऋण का लगा हुआ है 100 ऋण 2, इसलिए ऋण वाला सर्वसंख्या लगाएंगे, ए ऋण बी पूरे घात 2 बराबर 1 घात 2 ऋण 2 ए बी धन बी का घात 2, ये सर्वसंख्या होता है बच्चों। ए ऋण बी अर्थात 100 ऋण 2 98 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 वर्ग, 1 वर्ग मतलब बच्चों ए का मान 100 आपने माना है तो 100 का वर्ग हो जाएगा, 1 का मान 100, बी का मान 2, धन 2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, 100 का वर्ग मतलब कितना होता है बच्चों, 400 लगा देंगे तो 10,000 हो जाएगा, ऋण 100 × 200 × 400 हो जाएगा, धन 2 का वर्ग होता है 4। अब 10,004 में हमको 400 क्या करना पड़ेगा बच्चों, घटाना पड़ेगा, तो 10,004 में अगर हम 400 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 9,604, कितना मिलेगा बच्चों 9,604, जो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम माइनस वाला सर्वसंख्या के प्रयोग से भी 98 स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, सर्वसंख्या के प्रयोग से 52 × 48 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दो अलग अलग संख्याएं दिया हुआ है, इससे पहले एक ही संख्या था जैसे 98 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर ऐसा हमने बनाया, अब यहाँ दो अलग अलग संख्या, तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। 52 × 48, आप 52 प्राप्त करने के लिए 50 में 2 जोड़ दीजिए और 48 प्राप्त करने के लिए 50 में 2 घटा दीजिए, समझ में आया बच्चों, 50 में 2 जोड़ देंगे तो हमको 52 प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही 50 में 2 घटा देंगे तो हमको 48 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक बार जोड़ रहा है और एक बार घट रहा है और संख्याएं सेम टू सेम हैं, तो यहाँ पर कौन सी सर्वसंख्या लगेगी बच्चों, याद करिए तीसरी सर्वसंख्या जो हमने बताया था, एक बार प्लस में हो और एक बार अगर माइनस में हो तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों हमको ए बराबर 50 को मानना होगा और बी बराबर 2 को मानना होगा, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों 50 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए को हमने 50 माना और बी को हमने 2 माना, 50 का वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 2500 हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब 2500 में 4 घटा दीजिए बच्चों, 2496 कितना हो जाएगा 2496। तो इस तरह से अगर संख्याएं भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हम उसे सर्वसंख्या के रूप में बदल करके आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ हमको एक सौ का मान ज्ञात करना है और एक सौ का मान ज्ञात कीजिए यदि 6 x = 28 2 = 22। अब इससे पहले हमने 52 × 48 का मान ज्ञात किया, 101 का मान ज्ञात किया, 98 का मान ज्ञात किया, लेकिन यहाँ हमको एक सौ का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, एक सौ का मान। तो एक सौ का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, 6x = हम सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों, 28 2 = 22, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, आप सबको मालूम है, क्या मालूम है बच्चों कि ए अगर एक बार धन में हो और एक बार अगर ऋण में हो तो उसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अगर ए बराबर 28 मान लें और बी बराबर 22 मान लें तो हम उसे एक बार धन के रूप में और एक बार ऋण के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 6x = कैसे लिखेंगे, एक बार धन के रूप में अर्थात 28 धन 22 और एक बार हम लिख लेंगे बच्चों उसको 28 ऋण 22,
क्योंकि सरसमिका में एक बार धन और एक बार ऋण का मतलब होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अर्थात वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 28 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलेगा 28 और 30 20 50 मिल जाएगा बच्चों। बीच में कुछ तक चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। अब 28 में 22 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा बच्चों 6। अब 50 गुणे 6 बटे इस 6 को पक्षांतर कर दीजिए, 6 और 6 क्या हुआ बच्चों कट गया, बचा कितना 50। तो ये 50 क्या है इसका आंसर हो गया अर्थात x का मान कितना मिला हमको 50 मिला। तो इस तरह से हम सरसमिका की सहायता से x का मान भी बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिए। बच्चों अगला प्रश्न है सरसमिकाओं का उपयोग कर 25a² 70ab 49b² का गुणनखंड कीजिए। 25a² + 70ab + 49b² का गुणनखंड कीजिए। आइए बच्चों इसका हम गुणनखंड कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं जो हमको ज्ञात है 25a² + 70ab + 49 का वर्ग। बहुत सिंपल है बच्चों ध्यान से सुनेंगे। 25 में 25 किसका वर्ग होता है बच्चों 5 का वर्ग होता है। तो 5a का वर्ग हम इस तरह से लिख सकते हैं 25a² को। बीच वाली संख्या जो 70ab है इसको आप अभी छोड़ दीजिए। अब 49b² को हम लिखेंगे 7 × 49 होता है तो 7b^2 इस रूप में हम इसे लिख लेंगे। अब यदि बच्चों a बराबर हम 5a को माने और b बराबर 7b को माने, a बराबर अगर हम किसको मान लें बच्चों a बराबर यदि हम a बराबर 5a को मान लेते हैं और b बराबर 7b को मान लेते हैं तब हमारा सूत्र क्या कहता है बच्चों a² + 2ab आता है। 2ab a में हम किसको माने हैं 5a को और b में हमने क्या माना है 7b को। तो सूत्र हमारा आता है 2ab + b² ऐसा सूत्र आता है सरसमिका आता है। अब इसको चेक करिए क्या ये 70ab के बराबर है। 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70 बिल्कुल 70ab के बराबर है अर्थात हम इसे तोड़ दिए 70ab को 2 × 5a + 7b में हमने तोड़ लिया। अब यहाँ सरसमिका आपको मालूम हो गया होगा a² + 2ab + b² इसी रूप में दिया हुआ है बच्चों और इसका मान कितना होता है a + b² ऐसा हमारा सरसमिका है। अब हम क्या करेंगे इसमें मान रख देते हैं। हमने a किसको माना था बच्चों 5a को तो 5a हो जाएगा और b किसको माना था 7b को तो 7b² इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं दो बार आया है तो एक बार लिख दीजिए पहले 5a + 7b और दूसरे कोष्टक में भी इसको एक बार लिख दीजिए 5a + 7b। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं और गुणनखंड करके सरसमिका ग्रुप में ला करके हम उसका गुणनखंडन भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों x² + y² - 16 x² (x^2) / y^2 = 16 का गुणनखंडन कीजिए। हम पहले प्रश्न को लिखते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न है x^2 / y^2 = 16 ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। अब हम x^2 / y^2 को हम ऐसा लिख सकते हैं x^y² क्योंकि दोनों संख्याओं का घात है और हमने घातांक में इसको पढ़ा है, इस नियम को हमने पढ़ा है बच्चों आप सबको याद होगा 16 = 4^2 4 का वर्ग करने से 16 हमको प्राप्त होता है। अब ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चों ये एक सरसमिका ग्रुप में दिख रहा है हमको। अब सरसमिका क्या है बच्चों a² + b² = a + b और a - b ये सरसमिका ग्रुप में हमको दिखाई दे रहा है अर्थात a बराबर हम xy मान लेते हैं और b बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों 4 को। a बराबर किसको मान लेते हैं हम xy को और b बराबर हम मान लेते हैं 4 को। तब हम इसको लिख सकेंगे a - b अर्थात xy - 4 और a - b अर्थात xy - 4। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इसका आंसर भी हमको मालूम हो गया। तो इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं बच्चों। तो निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये प्रश्न वाली भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न के साथ ही यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं गणित में सरसमिकाएं आइडेंटिटीज। बहुत छोटा पाठ है बच्चों और बहुत सरल पाठ है। केवल इसमें आपको 3 सरसमिकाओं को याद रखना है जिसमें पहला हमने सरसमिका बताया था a² + 2 = a² + 2ab - b² बताया था। दूसरे सरसमिका हमने आपको बताया a² + 2 = a² - 2ab - b² बताया। और तीसरे सरसमिका हमने बताया था बच्चों आपको a² + b = a² - b² ये 3 सरसमिकाओं के आधार पर ही पूरा प्रश्नवली आपसे बनेगा। आप निश्चित रूप से इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सरल प्रश्नवली है और हम इसको एक ही भाग में प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है बच्चों। तो इस प्रश्न के साथ ही यह अध्याय भी हमारा समाप्त हो जाता है। आप
वीडियो पसंद आए बच्चों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बच्चों आज के बाद फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।